क्वेश्चन नंबर 11 केमिस्ट्री पेपर आईआईटी जेम 2018। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, विथ रिस्पेक्ट टू पीरियोडिक प्रॉपर्टीज द करेक्ट स्टेटमेंट इज। तो यहाँ पर डायरेक्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आपको क्वेश्चन दे गया था। तो पहला ऑप्शन इसने दिया था कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर इज फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन। तो आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जो सबसे जिसका सब जिस एलिमेंट का सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन है। तो यहाँ पर क्लोरीन सबसे लास्ट में है, तो इससे ये पता चल गया ये ऑप्शन गलत है। फिर आता है फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑर्डर इज अल्मोनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन पोटाशियम। तो आपको पता है अल्मोनियम बोरोन फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज ये P1 सिस्टम, P ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल में है, तो इसमें S2 है और पोटासियम S1 सिस्टम है। तो ऑब्वियस है हाफ फील्ड और फुल फील्ड का ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा आयनेशन एनर्जी होता है। ठीक है, अब हाफ फील्ड मतलब S फुल है, इसमें हाफ फील्ड है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। P तो एक मतलब कि ऑब्वियस है मैग्नीशियम। यहाँ पर इस ट्रेंड अगर ऐसा होता कि मैग्नीशियम ग्रेटर देन पोटासियम देन अल्मोनियम, तो ये सही ऑप्शन होता, क्योंकि फुल फील्ड और हाफ फील्ड और सबसे ज़्यादा आयनेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ज़्यादा मुश्किल। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। एटॉमिक रेडियस ऑर्डर नाइट्रोजन ग्रेटर देन फॉस्फोरस। तो आपको पता है नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक एक ही ग्रुप में है, और डाउन द ग्रुप जब जाते हैं तो हमारा एटॉमिक रेडियाई क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन फॉस्फोरस देन नाइट्रोजन, लेकिन यहाँ उल्टा है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। आयनिक रेडियस ऑर्डर पोटासियम ग्रेटर देन कैल्शियम। तो ऑब्वियस है आपको पता है जैसे जैसे चार्ज कैटायनिक चार्ज बढ़ेगा आयनिक रेडियस घटता है, लेकिन यहाँ पर सही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए पोटासियम का कम चार्ज है तो ऑब्वियस का एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा, यहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम का चार्ज ज़्यादा है तो इसका एटॉमिक रेडियस कम होगा। तो ऑब्वियस है यहाँ से ये तो पता चल गया पोटासियम इज ग्रेटर है, मतलब फर्स्ट पॉइंट सही है। अब कैल्शियम और मैग्नीशियम में आइए, कैल्शियम और मैग्नीशियम में दोनों में प्लस चार्ज है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा आयनिक रेडियस बढ़ता है। तो ऑब्वियस है कैल्शियम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो आयनिक रेडियस बढ़ेगा, तो मैं कैल्शियम का मैग्नीशियम से आयनिक रेडियस बड़ा होगा, तो ये ऑप्शन जो है वो सही है। तो आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है, ट्रेंड है, उसको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आप ये इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डी। क्वेश्चन नंबर 12 केमिस्ट्री पेपर आईआईटी जेम 2018। विच प्लॉट रिप्रेजेंट अ स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन वेयर द टाइट्रेशन एलोन एब्जॉर्ब लाइट इन विजिबल रेज। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा हम एक स्पेक्ट्रोमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे हैं जहाँ पर हमारा जो टाइट्रेंट है वो या सॉल्यूशन जो है वो विजिबल लाइट एक्टिव है, ठीक है, वो विजिबल लाइट में एब्जॉर्ब शो कर रहा है। तो इसमें इन चार में कौन सा सही होगा? तो ऑब्वियस है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट जैसे जैसे बढ़ेगा एब्जॉर्बेंस बढ़ेगा, लेकिन कब, आफ्टर एंड पॉइंट। तो अगर मान लीजिए टाइट्रेशन स्टार्ट किया मैंने, तो यहाँ पर टाइट्रेशन मतलब कि यहाँ पर रिएक्शन कंज्यूम हो रहा है, क्यों कंज्यूम हो रहा है, क्यों मतलब कंज्यूम हो रहा है, जैसे ही एंड पॉइंट बढ़ेगा, जैसे ही आपका रिएक्शन ख़त्म हो गया, अब जो एक्स्ट्रा टाइट्रेंट आप ऐड करेंगे वो कोई भी साइड रिएक्शन में या कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो इस पॉइंट के पास आपका एब्जॉर्बेंस बढ़ने लगेगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट बढ़ता जा रहा है। इस पॉइंट तक क्या हो रहा था, रिएक्शन जितना टाइट्रेंट ऐड कर रहे हैं वो सॉल्यूशन में कंज्यूम होते जा रहा है, रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी एब्जॉर्बेंस आपको नहीं मिला, कॉन्स्टेंट था। लेकिन जैसे ही एंड पॉइंट क्रॉस किया, मतलब सब रिएक्शन कंज्यूम हो चुका है, अब टाइट्रेंट रिएक्टर में रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो अब इसका एब्जॉर्बेंस बढ़ता ही बढ़ता बढ़ता जाएगा। तो राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 केमिस्ट्री पेपर आईटी जेम 2018। तो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरह से था, अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बन कार्बोनिल स्पीसीज द वन विद द हाईएस्ट मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग इज। यहाँ पर चार कॉम्प्लेक्स दिया है और क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि इन चारों में से वो कौन सा मेटल कार्बोनिल स्पीसीज है जिसमें मेटल कार्बन बैक बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा हो। तो आइए इसका ट्रिक और इसको सॉल्व करने का
प्रॉपर तरीका सीखते हैं तो सॉल्यूशन, तो आपको पता है कि मेटल कार्बोनिल स्पीसीज में दो तरह का बॉन्डिंग होता है, एक होता है सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा होता है पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो हर समय याद रखिए कि मेटल टू लिगेंड जो पाई बॉन्डिंग जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि मेटल कितना इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल को वापस कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियस है जिस मेटल कैटायन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, ऑब्वियस है वो ज्यादा पाई बैक बॉन्डिंग करेगा। तो आपको क्या चाहिए, हर समय याद रखिए कि अगर मेटल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो इट विल शो हायर पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, अगर मेटल के पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो वो कम पाई बैक बॉन्डिंग शो करेगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन में, यहाँ पर टिटेनियम पे कितना चार्ज है, क्योंकि कार्बोनिल जो है ये है न्यूट्रल लिगेंड, तो 2 माइनस वेनेडियम माइनस क्रोमियम 0 और मैंगनीज +1। तो ऑब्वियस है इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज किसके पास है, किस मेटल के पास है, तो ऑब्वियस टिटेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर ये है। अगर आपको पूछता कि इसका ऑर्डर बताइए तो आपको वो भी लिखना आसान हो जाता, तो क्या ऑर्डर होता, ए देन बी देन सी देन डी। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 14 केमिस्ट्री आईआईटी जैम 2018 पेपर। क्वेश्चन 14 ये कहता है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेल नॉट दैट इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फिलिंग स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल वैल्यू फॉर फॉलोइंग एनायनिक मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पर चार मेटल आयनिक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का ऑर्डर जो है इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन 2014 का है, तो आइए चलिए इसको सॉल्व करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको ट्रिक बताता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो आपको पता है कि एक कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें दो चीज होता है, एक होता है मेटल और एक होता है लिगेंड जो इसको इर्द गिर्द से कवर किए होता है। तो हर समय आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले आपको दो पार्ट पे ध्यान देना, मेटल पे और लिगेंड पे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं मेटल से। तो हर समय याद रखिए कि जैसे जैसे मेटल, या ऐसा कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डाउन द ग्रुप आपका क्रिस्टल दैट इज क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ता है। मतलब कि अगर आपके पास 3D का मेटल है, 4D का मेटल है और 5D का मेटल है, ठीक है, आप जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाइएगा स्प्लिटिंग क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस से डी ऑर्बिटल का दूरी जितना बढ़ेगा डेल नॉट उतना बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारे केस में यहाँ पर क्या क्या एलिमेंट था, यहाँ पर था आपका रोडियम था, कोबाल्ट था, इरिडियम था, हाँ कि ना, यहाँ पर तीन एलिमेंट है। गौर कीजिए यहाँ पर जो तीन मेटल है वो है रोडियम, कोबाल्ट और इरिडियम। तो कोबाल्ट आपको पता है 3D सीरीज से बिलोंग करता है, रोडियम 4D सीरीज से बिलोंग करता है और इरिडियम 5D सीरीज से। तो हमको ये पता चल गया कि जो इरिडियम का कॉम्प्लेक्स होगा उसका डेल नॉट सबसे ज्यादा होगा और कोबाल्ट का जो ये होगा उसका सबसे कम होगा। तो इसमें ये पता चल गया कि क्वेश्चन सॉल्यूशन नंबर डी ठीक है और ए तो सही नहीं है। ठीक है,
अब क्लैश हो गया आपका बी और सी में, देख रहे हैं दोनों में इरिडियम का एनर्जी ज्यादा है, लेकिन उसके बाद का जो ऑप्शन है वो डिफरेंट ट्रेंड शो कर रहा है। तो अब आपको ध्यान देना है, जब आप मेटल से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको उसके लिगेंड पे ध्यान देना है। तो याद रखिए कि कॉम्प्लेक्स में दो तरह का लिगेंड बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो याद रखिए, तो यहां पर आपका वीक फील्ड लिगेंड क्या है आयोडीन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या है साइनाइड। तो हर समय याद रखिए, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का डेल नॉट दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हर समय ज्यादा होगा वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो हमको पहले से ये पता चला कि इरिडियम का सबसे ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा, उसके बाद लिगेंड से हमको पता चला कि साइनाइड का जो होगा स्टेबलाइजेशन एनर्जी वीक फील्ड लिगेंड से ज्यादा होगा। तो ऑब्वियस है, चलिए दोनों को मिला के अब इसका आंसर हम लोग पता करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो हमको यहाँ से पता चल गया कि इरिडियम साइनाइड का सबसे ज्यादा डेल डेल नॉट वैल्यू होगा। उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद आएगा रोडियम फिर उसके बाद फिर से आपका रोडियम और फाइनली कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो ये जो ट्रेंड था ये इस साल का इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 15 केमिस्ट्री पेपर आईआईटी जैम 2018 में जो क्वेश्चन आया था वो कुछ इस तरह से था। द डीके मॉडल ऑफ 14 कार्बन एंड 14 ऑक्सीजन आर बीटा डीके, पॉजिट्रॉन इमिशन, बीटा डीके एंड पॉजिट्रॉन इमिशन, एंड चौथा ऑप्शन उसने दिया था पॉजिट्रॉन इमिशन एंड बीटा डीके। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक हम लोग चलिए वो है कुछ इस तरह से। फोर्टीन सी दैट इज 14C6। तो जब इसका न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो ये कुछ इस तरह से कन्वर्ट होता है, विथ बीटा इमिशन। और सेकेंड जो था वो था 14O और एटॉमिक नंबर कितना था 8 गोज टू 16C8 प्लस पॉजिट्रॉन इमिशन। तो आपको पता चल ही गया होगा कौन सा ऑप्शन सही है, बीटा इमिशन एंड पॉजिट्रॉन इमिशन। तो इसको ये इसका ट्रिक है, इसको याद करने का टेंडेंसी है, आप इनका एन टू पी रेशियो देखिए, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो यहाँ पर कितना है 14/6, 4/6, और आफ्टर रिएक्शन क्या हो रहा है, कितना में कन्वर्ट हो रहा है 12/6। तो याद रखिए यहाँ पर 14/6 प्रोडक्ट में 12, मतलब कि जहां पर आपका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो डिक्रीज करेगा वहां पर हर समय आपको क्या सोचना है बीटा डीके। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर एन टू पी रेशियो कितना है हमारा 14/8, प्रोडक्ट साइड में कितना है 16/8, तो हमको क्या मिला पॉजिट्रॉन इमिशन। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं एन टू पी रेशियो जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ पर हमको क्या सोचना है पॉजिट्रॉन इमिशन। क्वेश्चन नंबर 16,
तो क्वेश्चन नंबर 16 ये आया था, कंसीडर द फॉलोइंग फोर ज़ेनॉन कंपाउंड XeF2, XeF4, XeF6 एंड XeO, द पेयर ऑफ ज़ेनॉन कंपाउंड टू हैव नॉन जीरो डाइपोल। पूछ रहा है कि यहाँ पर आपके पास चार ज़ेनॉन का कंपाउंड है, तो इसमें से वो पेयर बताइए जिसमें डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं है। तो चलिए इसका ट्रिक जानते हैं। तो चलिए ज़ेनॉन XeF की बात करते हैं। XeF2 में कितना, ज़ेनॉन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? चलिए मैं इसको आपको ट्रिक बताता हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? ठीक है, फ्लोरीड के साथ कितना बॉन्ड बनाया है आपको पता है? फ्लोरीन जो होता है, फ्लोराइड जो होता है, एक ही बॉन्ड बनाता है। मतलब ज़ेनॉन ने कोवेलेंटली एक एक बॉन्ड बनाया है, मतलब कि ज़ेनॉन का अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड के साथ, इस फ्लोराइड के साथ यूज हो गया और एक फ्लोराइड इस के साथ यूज हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? तो 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन बचा। मतलब इसके पास 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? कुछ इस तरह से होगा। ना दूसरा है XeF4, चलिए इसका भी ट्रिक से, ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड बनाया है फ्लोरीन के साथ, तो कितना बॉन्ड पेयर है? तो ओके, अगर 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बना, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा? मतलब 4, दैट इज 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर, नो या 2 लोन पेयर। चलिए ड्रॉ कर दीजिए, सबसे सटीक स्ट्रक्चर क्या होगा इसके लिए? ज़ेनॉन है, और आपको पता है ऐसे करके लोन पेयर होता है कि ना? ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, और ये टेट्रागोनल बाईपिरामिडल। तो ऑब्वियस है इसमें आपका कंप्लीट कैंसिलेशन, अब देखिए बॉन्ड सब बॉन्ड पे लोन पे कैंसिलेशन हो रहा है, तो ये दोनों में तो डाइपोल मोमेंट जीरो है। डाइपोल मोमेंट क्या हो गया इसमें? जीरो, इसमें भी डाइपोल मोमेंट जीरो। आगे बढ़ते हैं, अब आइए XeF6 के पास, फ्लोराइड कितना भी है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन ज़ेनॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में होता है, कितना फ्लोरीन है? 6 फ्लोरीन है, मान लीजिए मैं 6 फ्लोरीन लगा देता हूँ, तो 8 इलेक्ट्रॉन में 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन के साथ बनाना, कितना इलेक्ट्रॉन बचा? एक, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब कि 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर इसके पास बता। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, आपको पता ही है। हाँ ना, कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ऑब्वियस है इसमें देखिए आपका जो जो डाइपोल है, मतलब कि सब बॉन्ड या सब मोमेंट एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट आपका जीरो नहीं होगा। हाँ कि ना, ये जो लोन पेयर है ये डाइपोल मोमेंट को जीरो नहीं होने दे रहा है। नेक्स्ट आइए XeO3, सेम ऑक्सीजन ऑक्साइड कितना बॉन्ड बनाता है? उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 बॉन्ड बनाता है। ज़ेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा? 2 बॉन्ड, तो 3 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया, मतलब कि यहाँ पर कितना डबल बॉन्ड है ज़ेनॉन के साथ, डबल बॉन्ड। BSEPR थ्योरी में क्या होता है, ओनली सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होता है, तो यहाँ 1 सिग्मा 1 पाई, तो यहाँ पर कितना बॉन्ड पेयर है? 3 बॉन्ड पेयर, और कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। तो बना दीजिए इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ऑब्वियस आपको पता है टेट्राहेड्रल टाइप का होता है, या पिरामिडल भी बोल सकते हैं, हाँ कि ना? तो यहाँ भी देखिए आपका डाइपोल मोमेंट
जीरो नहीं है, तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सबसे सही है? मतलब कि यहाँ पर दो ही कंपाउंड है इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, वो है XeF6 और XeO3। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 IIT जैम 2018 केमिस्ट्री के एक क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी फॉर फॉलोइंग कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर चार कार्बोकेटायन दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है कि बढ़ते क्रम में स्टेबिलिटी के ऑर्डर में इन्हें सजाइए। तो चलिए सीखते हैं। तो आपको पता ही होगा कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, बेंजाइलिक, फिर एलाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है? या ऐसा भी कर सकते हैं पाका पक, मतलब कि या इक्वल्स टू होता है सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा रख लेते हैं, ठीक है? तो आइए पहला कार्बोकेटाइन देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन के साथ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। हाँ, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? ये है ब्रिज हेड कार्बोकेटाइन। और हर समय याद रखिए कि तक दुनिया का सबसे अनस्टेबल जो पोजीशन होता है वो ब्रिज हेड होता है। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जब भी ये हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, लेकिन ये ब्रिज, चूंकि ब्रिज हेड पे है, ये हाईली अनस्टेबल कार्बोकेटाइन है और इसको बनाना, इसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि ये जो मॉलिक्यूल है सबसे लास्ट पे आएगा। ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये एलाइलिक। तो चलिए ऑर्डर लिखते हैं। तो ऑब्वियस है ये बेंजाइलिक है, इसके साथ 3 डिग्री है, तो इस सब स्टेबिलिटी ऑर्डर में तो ये सबसे ज्यादा हो गया। चलिए, तो 1 सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया और ब्रिज हेड 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा अनस्टेबल हो गया, तो ये सबसे लास्ट में आ गया। अब हमको देखना है इस ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, एलाइलिक ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 3 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आपसे मैच कर रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या बोलता है, 3 डिग्री ग्रेटर देन, तो इसका सही ऑप्शन ये हुआ। फिर से याद रखिएगा, आपको फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर 3 डिग्री है तो बच्चे गलतियां क्या करते हैं, इसको 3 डिग्री समझकर इसको स्टेबल मान लेते हैं, लेकिन नहीं, ये जो पॉइंट है इसको ब्रिज हेड सेंटर कहते हैं और ब्रिज हेड सेंटर का जो कार्बोकेटाइन होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये पूछा गया था कि अमंग द डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन विच वन कैन बी ऑप्टेन एज इनांचो प्योर फॉर्म। तो यहाँ पर चार फॉर्म डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन का बनाया हुआ है और पूछा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन इनांचियोमेरिक प्योर फॉर्म में ऑप्टेन होगा। तो हर समय याद रखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए कि वही कंपाउंड इनांचियोमर प्योर बन सकता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमको एक्चुअली ये पूछा है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है? तो चलिए पता करते हैं। तो मैं इसको थोड़ा अलग फॉर्म में ड्रॉ करूंगा। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए इसको चेयर फॉर्म से हटाकर नॉर्मल फॉर्म में ड्रॉ कर दिया है। तो इस चार कंपाउंड में जब आप इसको इस फॉर्म में देखेंगे तो आपको पाया जाएगा कि यही जो फॉर्म है यही ऑप्टिकली एक्टिव है, बाकी जो फॉर्म है सब इनएक्टिव है। क्यों इनएक्टिव है? क्योंकि सब कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर हम यहाँ पर एक इस तरह से करें कि यहाँ पर अगर मैं एक प्लेन दे दूँ, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यहाँ पर अगर प्लेन ऑफ दे दूँ तो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, यहाँ पर एक प्लेन दे दूँ तो यहाँ पर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा, लेकिन ये एक सिस और ट्रांस के फॉर्म में है तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री काम नहीं करेगा, इसीलिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और ये तीनों ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। तो आपको कौन सा ऑप्शन पे सही टिक मारना था
दैट इज क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहाँ पर हमें एक पोटासियम सॉल्ट ऑफ पायरोल दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथॉक्साइड दिया गया है और पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं रास्ता आपको बताऊंगा, ये बहुत ही आसान रास्ता है। एक्चुअली ये एक नेम रिएक्शन है जो आप लोग 12 से पढ़ते आ रहे हैं, जिसका नाम है रीमर टीमेन फॉर्मिलेशन या रीमेन टीमेन रिएक्शन इसको कहते हैं। तो याद रखिए, आपको याद रखना है कि जब भी हम लोग पायरोल में या पोटासियम सॉल्ट ऑफ पायरोल में आपको इस तरह का क्लोरोफॉर्म और कोई स्ट्रॉन्ग बेस दिखे तो आपको हर समय रीमन टीमन रिएक्शन सोचना है। तो अगर यहाँ पर आपका हम लोग केस लें तो याद रखिए यहाँ पर जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, हर समय याद रखिए जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो ये होता है, ठीक है। इसका जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो ये होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। और अगर आपका अगर पायरोल पोटासियम की जगह पायरोल दिया हुआ है सेम केस, तो आपको हर समय क्या सोचना है, यहाँ पर आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट इज CHO प्लस सॉरी CHO प्लस यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट होगा। तो चूंकि यहाँ पर पोटासियम सॉल्ट है तो हर समय आपको याद रखना आपका 100% ये प्रोडक्ट आएगा। अगर आपका पायरोल कंपाउंड फॉर्म में है तो आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेगा। फिर इससे आपको और भी क्वेश्चन फ्यूचर में पूछा जा सकता है कि बताओ कि इस रिएक्शन में आपका इंटरमीडिएट क्या होगा। तो हर समय याद रखिए इस रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट होता है या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रोफाइल होता है फाइल क्या है, याद रखिए रीमन टीमर में हर समय आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो क्या होगा, कार्बीन और यहाँ पर हमने क्लोरोफॉर्म लिया है तो क्लोरो कार्बीन CCl2 को हम लोग क्लोरोकार्बिन भी बोलते हैं। तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन फ्यूचर में आ सकता है, बताओ कि इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट, तो क्लोरोकार्बिन बोल सकते हैं, कार्बिन बोल सकते हैं। इसके अलावा आपको इसी को ट्विस्ट करके फ्यूचर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ इसका इसका आंसर क्या होगा। तो आइए मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ किस तरह का क्वेश्चन आएगा फ्यूचर में, आपको इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिए कि जब भी हम फेनॉल में आपको क्लोरोफॉर्म प्लस कोई बेस दिखे KOH या किस, तो आपको क्या सोचना है, ये प्रोडक्ट हर समय सोचना है, इसका सैलिसिलडिहाइड भी बोलते हैं या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है, हर समय याद रखिए कि अगर आपका क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड दिया हुआ है तो आपको हर समय एल्डिहाइड की जगह पे क्या आंसर सोचना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो क्या क्लोरोफॉर्म की जगह कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया गया है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो एल्डिहाइड ना होके कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसी को हम लोग सैलिसिलडिहाइड भी बोलते हैं या ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड और सैलिसिलडिहाइड, ठीक है। ये आपको यहाँ पर भी जो आपका इंटरमीडिएट होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल वो है क्लोरोकार्बिन।
इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी था। आइए इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म समझते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारा अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा। तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म और सोडियम इथॉक्साइड रिएक्ट करके क्लोरोकार्बीन प्लस इथेनॉल प्लस NaCl का फॉर्मेशन करेगा। अब ये जो इंटरमीडिएट है क्लोरोकार्बीन, अब ये जाकर इस पे अटैक करेगा, ठीक है। तो इसका अटैक होगा तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज सेंटर है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को डाइवर्ट करेगा इस सेंटर पे और फिर ये इस इलेक्ट्रोफाइल को कंज्यूम करेगा। तो ऑब्वियस है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। सडनली फिर ये बाउंस बैक करेगा और एडजेसेंट कार्बन को अटैक करेगा, तो यहाँ पर एक थ्री सेंटर्ड रिंग बनाएगा। लेकिन आपको पता है थ्री सेंटर रिंग जो होता है ड्यू टू स्टेरिक स्ट्रेन हाईली अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या होगा, खुद में अपने से रीअरेंज करेगा। किस तरह से रीअरेंज करेगा, दिस एन माइनस माइनस चार्ज विल गो हियर और ये इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो ऑब्वियस है यहाँ एक डबल बॉन्ड, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो डबल बॉन्ड नेगेटिव पॉजिटिव एक बॉन्ड बनाया, अब ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आया तो नेगेटिव और ये सी एल माइनस फिर इस नेगेटिव चार्ज को लेकर निकल गया, तो यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड आया। तो आपका मेजर प्रोडक्ट क्या हुआ, थ्री क्लोरो पीरीडीन। तो आपका सही आंसर कौन सा ऑप्शन हुआ, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो IIT जैन 2018 केमिस्ट्री के पेपर में आया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बोलता है, द आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट एक्स बन रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मेनली यहाँ पर एक कीटोफाइन मेंबर साइक्लिक कीटोन लिया गया है और उसमें तीन रिएजेंट डाला गया है, TiCl3, जेड एंड कॉपर, कोल्ड केमेनोफोर और H2SO4। तो मेनली आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए आपको रिएक्शंस याद रखने पड़ेंगे। तो मैं बता दूं हर रिएजेंट का फंक्शन क्या है, TiCl3 एक नेम रिएक्शन है, जिंक कॉपर, इसको हम लोग बोलते हैं मैकमरी रिएक्शन, इसका नाम है मैकमरी रिएक्शन। तो याद रखिए कि जब भी आपको कोई कीटोन दिया रहेगा ना, तो आपको क्या करना है, और ये रिएजेंट आपको दिख गया तो आपको क्या करना है, ऑक्सीजन हटाकर उतने ही कार्बन का साइकिल को उससे जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आपको हर समय अगर ऐसा रिएजेंट दिखे और साइक्लिक कंपाउंड दिखे या कोई भी कंपाउंड दिखे, आपको क्या करना है, आपको इसका चोरी का रास्ता शॉर्टकट में बता देता हूँ, जिसको मैं चोरी का रास्ता भी बोलता हूँ। आपको क्या करना है, अगर आपको यहाँ पर अपन आइए, यहाँ पर मेरा कीटोन है, तो आपको आंख बंद करके इस ऑक्सीजन को हटाना है और जितना कार्बन का वहाँ रिंग है उससे कनेक्ट कर देना है। तो एक्चुअली मैकमेरी रिएक्शन क्या होता है, TiCl3 क्या करता है, ये एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो हमारा जो वन के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। अब आता है KMnO4, कोल्ड KMnO4, तो ऑब्वियस पता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको पता है अगर कोल्ड KMnO4 में अगर हम लोग एल्कीन में सॉरी कोल्ड KMnO4 ऐड करते हैं तो क्या होगा, डायोल का फॉर्मेशन होगा, सबको पता है, एक पाई बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर आकर ये लग जाएगा। तीसरा रिएजेंट इसने दिया है H2SO4, ठीक है, H2SO4। आपको याद होना चाहिए कि अगर आपका डायोल है, विसिनल डायोल है, और उसमें हम एक एसिड डाल रहे हैं, तो एक सबसे हिट नेम रिएक्शन है जैम में, जो हर साल पूछा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनाकोल पिनाकलोन रिएक्शन, हाँ कि ना,
ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये हर साल आपको इसे क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन यहाँ पर गिरा है, तो ऑब्वियस है। पिनाकोलन रिएक्शन में क्या होता है, रिंग एक्सपेंशन होता है और दो रिंग अपने में जुड़ जाता है, मतलब यहाँ पर फर्स्ट ये ओएच निकलेगा तो यहाँ पर एक कार्बन कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रिंग एक्सपेंशन होकर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो ऑब्वियस है एक रिंग एक्सपेंड होकर यहाँ पर चला जाएगा, तो पांच मेंबर क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। और हर समय याद रखिएगा जो एक्सपेंड होगा उसी पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, पांच मेंबर ही रह जाएगा, और जो एक्सपेंड होता है उसी पे कीटोन का फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट इज लाइक दिस। तो याद रखिए ये क्या है, तीन रिएक्टेंट का मिक्सचर है, TiCl3 जिंक कॉपर को हम लोग मैकमरी रिएक्शन बोलते हैं, कोल्ड KMnO4 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2SO4 जब डालेंगे तो पिनाकोलोन रिएक्शन होगा, तो हमारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ये है। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट को सीखने के लिए प्लीज फॉलो अस, लाइक आवर वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।